हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जब भी हम दो क्वांटिटी को बीच में कंपेयर करते हैं जो सेम टाइप का हो, सेम क्वांटिटी का। तो इसमें हम सेम क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड बट डिवीजन के द्वारा बी सेड एट द उसको हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। और इसका डिनोटेड कैसे किया जाता है, तो यह सिंबल है, देख लीजिए, रेशियो का सिंबल ये है। तो रेशियो देखिए एक बार यहाँ पर क्या, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस ए फ्रैक्शंस डैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, इस ए फ्रैक्शन डैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। दस जैसे देखिए एक्स टू वाई इस रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो पूछ रहा है, एक्स टू वाई यानी इस दोनों का फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स वटा वाई, ठीक है। किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए, जैसे एक्स और वाई दो नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, तो हम बोलें कि एक्स टू वाई का रेशियो निकालिए, यानी एक्स वटा वाई यानी ये दोनों का फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक्स रेशियो वाई। मतलब इसको लिखते हैं ऐसे, शॉर्ट क्या ऐसी तरह लिखते हैं, ठीक है। यानी दो क्वांटिटी इन द सेम यूनिट, रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट क्या है, फ्रैक्शन है, जिसमें वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के समान है, ठीक है। मतलब उसका क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, एक ही प्रकार के हैं। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो का आज हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। रेशियो के बारे में जानेंगे कि कोई भी दो क्वांटिटीज है जो सेम टाइप का है, क्या बी कंपेयर द टू रेशियो, जब भी कंपेयर करते हैं तो दो क्वांटिटी के बीच में जो क्या है सेम काइंड का है, जो हम किस माध्यम से कंपेयर करते हैं, तो डिवीजन माध्यम से करते हैं। जिसमें जैसे देखिए एक्स टू वाई लिखना है, तो इसका रेशियो निकालना है, तो एक्स वटा वाई डिवीजन मेथड से करते हैं। तो एक्स को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, ठीक है। अगला रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो हम किसको बोलेंगे, तो रेशियो ए बी, कोई भी रेशियो ए बी सेट टू बी, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म का बोलेंगे, इफ़ यदि एंटीसीडेंट ए यानी न्यूमरेटर होता है, यदि फ्रैक्शन में देखेंगे तो, लेकिन यहाँ रेशियो में एंटीसीडेंट ए एंड कॉन्सिक्वेंट बी, फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी वन के अलावा किसी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। और हम हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण देखिए 50:125, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, इसके बाद एक के अलावा कोई दूसरा कोई इसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है। दो को क्या लिख सकते हैं, 1:2, 5 को क्या लिखते हैं, 1:5, यानी एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो रेशियो हम भी जान लें कि रेशियो क्या होता है, दो भी दो क्वांटिटीज, कोई दो क्वांटिटीज है, ए एक क्वांटिटी है, दूसरा दो बी क्वांटिटी है, जो सेम टाइप का हो, सेम टाइप का हो, क्या हो, टाइप दोनों का एक ही हो, न कि यहाँ पर इसका कुछ मिक्सचर लिए, इसका कुछ अलग प्रकार है, इसका कुछ अलग प्रकार है, तब रेशियो फॉर्मेशन नहीं करेगा। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, प्रकार क्या हो, सेम काइंड बाय डिवीजन, वी से डैट वी हैव फॉर्म्ड ए रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, जिसको हम एक्स रेशियो बाई, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज द इन द सेम यूनिट इज ए फ्रैक्शन डैट वन क्वांटिटी इज द ऑफ द अदर। ये तो टर्म लिखा हुआ वाला भाषा था, समझिए सीधे मोटे तौर पर कि रेशियो क्या है, कुछ कोई दो क्वांटिटी के बीच में जो एक ही प्रकार का हो, एक ही टाइप का हो, एक ही काइंड का हो, जो उन दोनों के बीच में जो डिवीजन के द्वारा जो रेशियो को जो बनता है, वही रेशियो है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो का देखिए, ए रेशियो रिमेन अनचेंज्ड, क्या बोला है, रेशियो रिमेन अनचेंज इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई
ए सेम नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब कि रेशियो अनचेंज होगा जब उसे आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई मल्टीप्लाई करें नंबर को या डिवाइड करें। जैसे यहाँ ए और बी कोई रेशियो है, इसको हम एम से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एम मतलब कि सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करें और सेम क्वांटिटी से डिनोमिनेटर, तो रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है। अगला आगे देखते हैं कि इसको यदि डिवाइड करते हैं सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो भी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी देख लें रेशियो का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम रेशियो में क्या क्या सीखें कि रेशियो क्या है, कि कोई भी दो क्वांटिटीज है ए और बी, दो क्वांटिटी है जो सेम टाइप का हो, सेम काइंड का हो और दोनों सेम काइंड का हो, बाय डिवीजन के द्वारा जो फॉर्मेशन करता है वही रेशियो है। दोनों को क्वांटिटी का डिवीजन के द्वारा फॉर्मेशन करता है, तो यही रेशियो है। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसका कोई कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये रेशियो का पहला तरीका। इसमें ए होता है कंसिक्वेंट होता है, कंसिक्वेंट एंटीसीडेंट बोलते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं फ्रैक्शन में, लेकिन रेशियो में कंसिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और रेशियो का प्रॉपर्टी को जब और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो जानेंगे हैं कि इसका केवल कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। और प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जैसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें, एम नंबर से कोई से मल्टीप्लाई करें, तो रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी रेशियो समान रहेगा। यदि डिवाइड भी कर रहे हैं तभी भी रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा रेशियो से रिलेटेड जो उसमें रिलेटेड तथ्य थे जो हमने अपने बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।